पता चल जाएगा, समय आने दीजिए, समय का इंतजार है, सब पता चल जाएगा। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट बता देंगे। फ्लोर टेस्ट में तो हम लोग पास करेंगे, 100% पास करेंगे, 101% पास करेंगे। संख्या बल के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। एनडीए सरकार उस दिन बहुमत साबित करेगी, लेकिन इससे पहले लगातार राजनीतिक कैसबाजी लगाई जा रही है कि क्या बिहार में कुछ खेला होने वाला है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि हमारे पास 128 का आंकड़ा है, कोई खेला होने वाला नहीं है, हम लोग आसानी से बहुमत साबित कर देंगे। वहीं श्रवण कुमार ने अपने आरोपों पर कहा कि हमने ये आरोप लगाया था कि आरजेडी के जो लोग हैं वो हमारे विधायकों को ऑफर दे रहे हैं, समय आने पर हम बता देंगे कि वो कौन लोग थे। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। क्या है नया सर, जो आपने आरोप लगाया था कि कई विधायक हैं, कई लोग हैं जो विधायकों को आरजेडी कर रही है, कि कौन है, नाम बताइए, झूठ मूठ के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब पता चल जाएगा, समय आने दीजिए, समय का इंतजार है, सब पता चल जाएगा। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट बता देंगे। फ्लोर टेस्ट में तो हम लोग पास करेंगे, 100% पास करेंगे, 101% पास करेंगे। संख्या बल के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती है। जब 128 का आंकड़ा हमारे पास है तो दूसरा क्या खेला करेगा लोग, उनके पास मात्र 114 मात्र है, हमारे पास 128 है। अब जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सभी इंटैक्ट हैं, एनडीए के जितने हमारे विधायक हैं सब इंटैक्ट हैं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है? अफवाह तो फैलता रहता है, अफवाह फैलाने वाले की कमी है, लेकिन 12 तारीख को पता चल जाएगा उनको, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं। सारे विधायक संपर्क में हैं आप लोग? बिल्कुल संपर्क में हैं, सभी लोग संपर्क में हैं, सभी लोग हम लोगों के पास आते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी। सर, कांग्रेस के 16 विधायकों ने बताया आप लोगों को कि ये तमाम लोग जो हैं वो रोबन दे रहे हैं? और क्या बताएगा, जिसको फोन जाता है वही ना बताता है। फोन भी जा रहा है, फोन करता ना है, फोन करता है, जाता है, उसको कुछ हाथ लग रहा है जो जाता है, जितने विधायक निराश होकर लौट जाता है, पूरा मुस्को भवा, जहाँ से चले थे वही लौटते हैं। एक और सवाल है, कितने विधायक को सर फोन किया गया? अब कितने गिनती करते हैं हम लोग, जो करता है उसका तुरंत हिसाब करते हैं। जो मामले में रावड़ी देवी, मीसा भारती और हिमा यादव तमाम लोगों को बुलाया था, उसमें राहत मिली है अंतिम जमानत? देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी हम लोग नहीं करते हैं, कानून अपना काम करता रहता है, वो अपने हिसाब से चलता है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक दिन अपने दम पर बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे, तो अभी सरकार तो उन्हीं की बनी है, दूसरे की थोड़ी सरकार है। लगता है नीतीश कुमार को साइड करने की एक बड़ी प्लानिंग है? अब अलग अलग अर्थ मत लगाइए, क्या बोले हैं, पूरी बात हम सुनेंगे समझेंगे तब ना बोलेंगे, लेकिन सरकार तो एनडीए की ही सरकार है। लेकिन उन्होंने कहा कि आरजेडी के जो मंत्री थे उनके भ्रष्टाचार की फाइल को लेकर, लगता है सर कि अब तो जो बोले हैं उनसे पूछिएगा ना, हम क्या जानते हैं, हम कोनो विजिलेंस के मिनिस्टर हैं। पीएम मोदी के सर, पीएम मोदी की जाति को लेकर जो विवाद के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी को थैंक यू बोला, नहीं सब बात की जानकारी मुझको ठीक से नहीं है, जब समझेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन अपराधी घटना को कम करने के लिए जो है नीतीश को स्वीकारा गया है, ये भी बात सम्राट चौधरी ने कहा है, तो क्या लगता है 25 में सीएम फेस नीतीश नहीं होंगे? अपराध पूरी दुनिया से खत्म हो गया, अपराध की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अलग अलग कारणों से अपराध होते रहते हैं। सरकार की कोशिश होती है कि अपराध नहीं हो, सरकार की कोशिश होती रहती है कि इस तरह की घटना नहीं हो, उसके लिए सरकार अपने स्तर से काम करती रहती है। अपराध दुनिया नहीं ना हुआ है जी, पूरा दुनिया अपराध मुक्त हुआ है, कोई देश का बताइए जो अपराध मुक्त है, किसी एक देश का नाम बताइए कि जहां क्राइम नहीं हो रहा है। लेकिन अलग अलग नेचर के क्राइम होते हैं, अलग अलग नेचर के इस तरह की घटना होती है, उस पर सरकार नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करती है। सरकार नियंत्रण करने की कोशिश करती है कि नहीं, ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग मानते हैं आरजेडी के साथ जब थे तो बीहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी, क्योंकि नीरज कुमार ने कहा, आपके प्रवक्ता है,
अब उन जो बोले हैं अब हम उसके बारे में क्या बोले, लेकिन कोई भी सरकार चाहे सरकार जिसकी भी हो, सरकार कोई नहीं चाहती है कि आपराधिक घटना हो, गलत काम हो, ये कोई सरकार नहीं चाहती है।